कुछ स्टॉक्स जहां पर बड़े एक्शन होते हुए दिखे हैं नतीजों के लिहाज से, कल ओबेरॉय रियल्टी ने बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए, लेकिन स्टॉक पहले ही चल चुका था, 6% ऊपर जाकर बंद हुआ। चार्ट्स देखकर बताएं सिमी, वैसे नतीजे बुरे नहीं है, इनलाइन ये कह सकते हैं उम्मीद के मुताबिक, जहां बाकी रियल एस्टेट कंपनियों की हालत खराब है, ओबेरॉय ने नतीजे ठीक ठाक ही दिए हैं। क्या तेजी और बन सकती है या फिर आज मुनाफा वसूली आ सकती है कुछ ऊपर के लेवल से? क्या लेवल्स चार्ट्स पर अहम है आपके लिए अनिल जी? एक बार स्टॉक का नाम ओबेरॉय रियल्टी। देखिए मुझे लगता है कि अभी भी मतलब जो रैली कल देखा था वो अभी भी बरकरार रह सकता है। मुझे लगता है कि जो पहले से इन्वेस्टेड है उनके लिए तो कोई खतरा है नहीं, पर जो अभी इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं वो लोग शायद एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत जरूरी होगा, पर चार्ट देख के लग रहा है कि ये स्टॉक अभी आगे जा सकता है। कुछ तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है ओबेरॉय के नतीजे। वैसे आप देखिए थोड़ा सा नर्म क्वार्टर रहा है, लेकिन ओवरऑल क्या आप रियल एस्टेट में आपको लग रहा है मौका है तेजी करने का? क्योंकि लार्जली फंडामेंटल एनालिस्ट ने कह दिया है कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। डीएलएफ भी आज